नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बीएपीएसएससी द्वारा आयोजित दरोगा और सार्जेंट बहाली परीक्षा जो 2446 पदों के लिए ली गई थी, वो अब एक बार फिर से विवादों में है। स्कोर कार्ड जारी होने के बाद छात्रों का आक्रोश फूटा है, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र हैं, चाहे वो ईबीसी के हों, ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों, महिला के हों या किसी भी वर्ग के हों, जिनका मार्क्स अपने कट ऑफ से ज्यादा है मगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वह आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि आयोग जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। जब आयोग के ओएसडी संजय सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई गलती नहीं हुई है और परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से हुई है और रिजल्ट भी सही है, मगर ऐसी गड़बड़ियों के बारे में पूछने पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और यही कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ सुचारू रूप से हुआ है। आज हिंदुस्तान अखबार में एक रिपोर्ट भी छपी है जिसमें 5-6 छात्रों के अंक और उनके वर्ग का कट ऑफ बताया गया है, वो हम आपको पढ़कर बताते हैं, आप सुनिए। दरअसल कुंदन सिंह जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, उनका अंक 154 प्राप्त हुआ है और इसी वर्ग का कट ऑफ 145 है। वहीं मोहम्मद अख्तर को 145.2 अंक मिले हैं, जबकि उनके वर्ग का कट ऑफ 143.2 है। इसी तरह मेधा पांडे को 147.6 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि उनके वर्ग का कट ऑफ 145 है। मोहित कुमार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, उनका मार्क्स है 149.6, उनके वर्ग का कट ऑफ भी 145 है। धीरेन्द्र कुमार अनुसूचित जाति से आते हैं, जिनका मार्क्स 138.8 है और उनकी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 134 है। यह वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने अपने श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाया है, लेकिन उनका सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। ऐसे कई सारे मामले हैं जिसको लेकर के छात्रों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। एक अनुमान है कि लगभग 1000 छात्रों के साथ ऐसी गलतियां हुई हैं जो अब कोर्ट का रुख करने को तैयार हैं, और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आयोग समय रहते इस पर स्पष्टीकरण नहीं देता है तो वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से आयोग पर सवाल उठाएंगे, पूछेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की गलतियां हुई। वहीं दरोगा परीक्षा के विशेषज्ञ गुरु रहमान ने भी कहा है, हमने कल उनसे बात भी की थी, उन्होंने कहा कि आयोग को इस मैटर को सीरियसली लेते हुए स्पष्टीकरण देना चाहिए, और नहीं तो छात्र अगर कोर्ट जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, छात्रों को जरूर कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आयोग और सरकार इंसाफ नहीं दे पा रही है तो कोर्ट से उम्मीद ही लगाई जा सकती है। यह परीक्षा जब से शुरू हुई तब से कभी क्वेश्चन आउट की बात आती है, कभी सीबीआई जांच को लेकर के आंदोलन होता है, सड़कों पर छात्र उतरते हैं, शहर की विधि व्यवस्था बिगड़ती है, मगर आयोग अपने ढर्रे पर चलना चालू रखता है। और अब जब स्कोर कार्ड आ गए हैं तो एक बार फिर से आयोग सवाल के घेरे में है। बिहार जहां पर सरकारी नौकरी छात्रों की भावनाओं के साथ, छात्रों की जिंदगियों के साथ किस कदर जुड़ा है, यह हम आप बखूबी समझते हैं। वहां पर परीक्षाएं और आयोग जिस लचरता से काम कर रहे हैं वो बिहार के भविष्य को संकट में जरूर डालते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य ये कुछ नींव हैं एक अच्छे समाज के निर्माण की, जो बिहार में हिली हुई नजर आती है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपने सवालों को, अपने सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। खबरों को विस्तार से पढ़ना पसंद करते हैं तो livebihar.com पर जाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।